गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी में अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला। अब उसके बाद में अपन आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। तो इनको आप चैप्टर वाइज जब अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उसको बड़े ध्यान से समझना है कि विश्व जनसंख्या संरचना, जैसे कि नाम से पता चलता है कि विश्व की जनसंख्या की जो संरचना है उसके बारे में अपन इसमें आज शुरुआत करेंगे कि जनसंख्या संरचना होती क्या है। धीरे धीरे इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो आज अपन शुरुआत करते हैं जनसंख्या संरचना। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जनसंख्या का घनत्व, वितरण, वृद्धि, इनके बारे में अपन ने जब पढ़ा तो उसमें अपने को एक चीज़ और है कि जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, किसी क्षेत्र में कम पाया जाता है, तो उनकी एक संरचना का निर्माण करता है। अब संरचना से हमारा अभिप्राय सीधा सीधा होता है जनसंख्या के जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनसे अपन इसमें जुड़े होते हैं। तो जनसंख्या संरचना की अगर सबसे पहले बात करें तो जनसंख्या संरचना यानी मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक या व्यवहारिक या व्यवहारिक क्षेत्रीय सभी का अध्ययन हम जनसंख्या संरचना में करते हैं। जनसंख्या संरचना में करते हैं। अब इसको अपन समझेंगे, ये तो अपन सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि जनसंख्या संरचना हम किस किस माध्यम से, मानव के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप, व्यवहारिक यानी उसका जो अन्य समाजों के साथ या जिस समाज में सामाजिक रूप से, क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, ये जो उनकी संरचना का निर्माण होता है उन संरचनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत। अब जनसंख्या संरचना में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे अपन बात करें मानव के आयु वर्ग। अब आयु वर्ग की अगर बात करते हैं तो आयु वर्ग यानी अपने मानव के आयु वर्ग को अपन यानी कई पार्ट, तीन पार्टों में मुख्य रूप से डिवाइड करते हैं। अब तीन पार्ट कौन से हैं, जैसे 0 से 16 वर्ष, 16 से मान के चलते 55 वर्ष 54 55, 60 भी कई जगह 60 भी लिखा हुआ मिल जाता है, और 55 से अधिक। ये दो वर्ग अपन ऐसे मानकर चलते हैं जो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। 0 से 16 इसको अपन बालक वर्ग बोल सकते हैं, ये जो है इसको अपन बोल सकते हैं अपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण वर्ग है वो 16 से 55 या 16 से 60 वाला जो वर्ग है, ये वर्ग ही क्या है, श्रम शक्ति कहलाती है, श्रमशील वर्ग अपन इसको बोल सकते हैं, और ये क्या है, वृद्धावस्था के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। तो अपन मानकर चले कि ये जो वर्ग है, श्रम शक्ति जो है हमारे देश की, वो श्रम शक्ति कितनी है, इस चीज़ का पता हमें किस चीज़ लगेगा, जनसंख्या संरचना के माध्यम से हम हमारे देश की श्रम शक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। हमारे देश में कार्य करने वाले कार्यशील जनसंख्या का भाग कितना है, अकार्यशील जनसंख्या में 0 से 16 को भी शामिल करते हैं, और 55 या 60 से अधिक वाली जो जनसंख्या है उसको भी अपन इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो चीज़ जो इनके द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है उसी का उपभोग दोनों वर्ग है, बालक वर्ग और वृद्धावस्था वाला वर्ग है, ये दोनों वर्ग उसी का उपभोग करते हैं। तो अपन इसको सिंपल शब्दों में, अपनी शब्दों में अगर समझें कि हमारे देश की या किसी भी देश की अगर देश के विकास से संबंधित अगर बात की जाए, तो विकास से संबंधित बात करने के लिए हमें उस देश की श्रम शक्ति के बारे में, कार्यशील जनसंख्या के बारे में पता होना आवश्यक है। क्योंकि हम जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो इसको तीन जो वर्ग है, ये तीन वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों वर्गों से आयु संरचना कि मानव वर्ग जो है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयु संरचना। आयु संरचना हम इसी को कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, तो किसी भी देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं उन आयामों में आयु वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मानव की आर्थिक सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं, अब इसमें अपन बात करें कि मानव आर्थिक व सामाजिक, मानव की आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां
ये अपन देख रहे हैं कि मानव कि आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है कमाने से संबंधित, सामाजिक का अर्थ समाज में रहने से संबंधित। तो ये आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, प्राकृतिक संसाधन व जनसंख्या से, प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या दोनों ही इनको क्या करती है, प्रभावित करती है, प्राकृतिक संसाधन व जनसंख्या से जुड़े होते हैं। इसको बड़े ये वर्ड जो आता है कि मानव के द्वारा किए जाने वाले जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप है, सामाजिक क्रियाकलाप है, वो किससे जुड़े हुए, मानव कोई भी कार्य करता है क्या वो प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, हर प्रकार से अपने को जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन किसी न किसी रूप में मानव के लिए लाभदायक होते हैं, मानव के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये जो मानव की आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या दोनों से जुड़ी हुई है। मानव क्योंकि अपन क्या करते हैं, हमारे पास है, जैसे अपन बात करें सिंपल सी कि अपने घर के परिवार के सदस्य घर में अपने पांच मेंबर हैं, अब पांच मेंबरों जितना अपने इनकम हो रही है, अपने पास खाद्यान्न उपलब्ध है, तो क्या हम एक्स्ट्रा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पर्याप्त है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश के विकास की अपन बात किसके आधार पर करते हैं, अपने देश की जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर अपन वही तो बात कर रहे हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक गतिविधियाँ जो है प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या से जुड़ी होती है, इन दोनों के अध्ययन के आधार पर ही हम विकास के मॉडल तैयार करते हैं, विकास के नए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि हम हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कौन से संसाधनों का कितना उपयोग करके हम अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये सारी जो अध्ययन अपन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, जनसंख्या संरचना में। दूसरी चीज़ अपन बात करें कि जनसंख्या संरचना में हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना से ही देश के विकास के अपन नए नए अभी योजनाओं का विस्तार कर सकते हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। अब हम अपने को यही पता नहीं है अपने देश में आबादी कितनी है, हमारे देश के अंदर जनसंख्या कितनी है, तो उस देश के लिए हम संसाधनों का निर्माण कैसे कर पाएंगे। संसाधनों का निर्माण उस क्षेत्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है कि इस क्षेत्र की, इस देश की जनसंख्या इतनी है, इस क्षेत्र की जनसंख्या या इस प्रदेश की जनसंख्या इतनी होती है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर ही हम क्या करते हैं, संसाधनों का निर्माण करते हैं। और उन संसाधनों का उपभोग कौन करता है, मानव, जनसंख्या, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या। अब इसमें अपन बात करें कि इसके जस्ट आगे जनसंख्या संरचना जो होती है उसमें किस किस को अपन शामिल करते हैं, जनसंख्या संरचना में जनसंख्या संरचना में किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो इसमें अपन देखते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले तो करते हैं आयु वर्ग, जो अपन अभी बात कर रहे थे। इसके बाद में दूसरा अपन करते हैं स्त्री पुरुष लिंगानुपात। इस स्त्री पुरुष लिंगानुपात को अपन सीधे सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष अनुपात, क्यों, लिंगानुपात से हमारा अभिप्राय सीधा से क्या हो जाता है, स्त्री पुरुषों का अनुपात। तो स्त्री पुरुष की संख्या बोलो या स्त्री पुरुष का अनुपात बोल दो, स्त्री पुरुष का अनुपात अपन इसमें पता करते हैं। आयु वर्ग अपने को पता होना चाहिए उस देश का, और उसके अलावा उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति है उनका व्यवसाय क्या है, वहाँ की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, इस चीज़। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं जिनके अंदर आयु जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत की जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग हो गया, स्त्री पुरुष का अनुपात हो गया, व्यवसाय हो गया, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या हो गई, उसके अलावा अपन बात करें साक्षरता इसके अंतर्गत शामिल की जाती है, साक्षरता को भी इसमें शामिल करते हैं। तो हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना का पता करने के लिए हमें आयु वर्ग, उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आयु वर्ग अपने को पता होना चाहिए, वहाँ पर स्त्री पुरुषों का अनुपात कितना है, महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने, और वो भी आयु के आधार पर अपन पता करते हैं। फिर उसके बाद में उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनके व्यवसायों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, उस क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, साक्षरता कितनी है, क्यों, साक्षरता से भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम साक्षरता के माध्यम से भी, क्योंकि साक्षरता से लोगों में जागरूकता बढ़ती है, साक्षरता बढ़ेगी तो लोगों में क्या होगा, ज्ञानवर्धक बातें, वो जब ज्ञान के बारे में
पढ़ने लग जाते हैं, किसी चीज़ को समझने लग जाते हैं। जब साक्षरता बढ़ती है तभी उस क्षेत्र का विकास या डेवलप ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो पाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब अपन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है किसका निर्माण करती है, जनसंख्या संरचना का निर्माण करती है। अब जनसंख्या संरचना के कुछ महत्वपूर्ण घटक भी है, उन घटक के बारे में अपन जानेंगे। ये जो अपन ने लिखा ये घटक ही है, लेकिन अपने बुक के अनुसार अपन आगे बढ़े कि जनसंख्या संरचना में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो उन चीज़ों के बारे में इसको आप नोट डाउन करते रहें नोटबुक में। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे जनसंख्या संरचना के घटक। जनसंख्या संरचना के घटक जिसमें अपन सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, आयु संरचना। दूसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, लिंगानुपात। तीसरे नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, जनसंख्या। संगठन। और चार नंबर पे अपन बात करते हैं साक्षरता। और पांच नंबर पे अपना जो आता है व्यावसायिक संरचना। तो ये जनसंख्या के पांच महत्वपूर्ण ऐसे घटक है जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संपूर्ण क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना का पता लगा सकते हैं। इसके अंतर्गत अपन बात करें कि विश्व के बहुत सारे जो देश है उनकी आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या का अपन उस क्षेत्र की जनसंख्या संरचना का अपन पता लगाते हैं, जिसके अंतर्गत जनसंख्या संरचना जो होती है किस प्रकार से अपने देश के विकास को स्थापित करने में सहायक होती है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन ने समझा कि विश्व जनसंख्या संरचना होती क्या है। तो जनसंख्या संरचना का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं, वहाँ की आयु संरचना के आधार पर, स्त्री पुरुष अनुपात के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, वहाँ की व्यवसायिक गतिविधियों के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर जो उपलब्ध है उनके आधार पर। उन सभी चीज़ों का अपने को पता होगा तभी हम उस क्षेत्र के लिए कोई ना कोई नया विकास का प्लान बना पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र की पॉपुलेशन जनसंख्या भी अपने को पता होनी चाहिए, उस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का भाग कितना है वो भी अपने को पता होना चाहिए, तभी जाकर हम उस क्षेत्र के लिए कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई नई विकास की योजना हम उस क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आयु संरचना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके जो घटक है उन घटकों को एक एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें अपन आयु संरचना वाला जो पहला घटक है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन, क्योंकि आप छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको आप ध्यान से समझते जाए, आयु संरचना से अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमारे लिए आयु संरचना को विशेष रूप से आयु संरचना होती क्या है इस चीज़ को समझना हमारे लिए आवश्यक था। तो आयु संरचना आपके समझ में आ गई होगी कि आयु संरचना के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसको आप बुक में पढ़ भी ले ध्यान से, और इसको कॉपी में नोट्स के रूप में, जैसे आपके पास पहले जो नोट्स आए थे उन नोट्सों के अलावा आप स्वयं के नोट्स भी बनाते चले पर डे। नमस्कार, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।